हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टारी आईआरएस एंड पीसीएस चैनल। तो इसके अंदर हम लेके आए थे आपके लिए कैलेंडर का इससे पहले वाला वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, उसी के बाद आपको ये वीडियो देखना, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत ईजीली कर पाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखेंगे आप अगर कैलेंडर के क्वेश्चन में, तो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ इसके अंदर, लीप ईयर। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा। यस, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीप ईयर की, और लीप ईयर अगर आपको नहीं पता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। लीप ईयर में हम देखेंगे जो भी ईयर हमारा डिविजिबल हो जाता है किससे? फोर से। ठीक, जो भी फोर से हमारा डिविजिबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, और जो फोर से डिविजिबल नहीं होगा वो आपका नॉर्मल ईयर रहता है। ठीक है, और लीप ईयर की खासियत क्या होती है? लीप ईयर जैसे मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 2016, अगर इसके पीछे के दो डिजिट मैं फोर से डिवाइड करती हूँ तो ये कट जाते हैं पूरी तरह से, तो ये क्या हो गया? आपका लीप ईयर हो गया। तो इसके अंदर आपके जो डेज़ हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 366 डेज़ हो जाएंगे। ठीक है, कितने डेज़ हो जाएंगे? 360 डेज़। आप सभी जानते होंगे कि नॉर्मल जो डेज़ होते हैं वो कितने होते हैं ईयर के अंदर? 365 होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके आगे की बात बता देती हूँ आपको, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए फ़र्क क्या पड़ता है, केवल अगर मैं 365 डे दें और आपके वीक में कितने डेज होते हैं? 7। अगर 7 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 52। ठीक है, ये तो हो जाएंगे आपके वीक्स, 52 वीक्स हो जाएंगे, और इसमें आपका बचता है वन डे। ठीक है, ये वन डे इसके अंदर आता है। और आपका अगर मैं लेती हूँ लीप ईयर वाला, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं फ्रेंड? 366 डेज होते हैं। एक दिन बढ़ जाता है, मैंने बताया था कि 6 आवर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उसको हम जब डेज काउंट कर रहे हैं तो उसमें 365 डेज हैं, 6 आवर्स तो हम कभी भी किसी ईयर में लेते ही नहीं है, कैसे एडजस्ट होगा? तो उसको क्या करा जाता है, एवरी फोर ईयर में वो ऑटोमेटिक एक दिन बन के 29 फेब बना देता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है? 366 डेज। इसे डिवाइड करते हैं हम 7 से, तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 52 तो वीक्स हो जाएंगे, ओके, और 2 डेज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो 2 है इसमें एक ज़्यादा है। क्या है? इसमें एक दिन ज़्यादा है, यानी कि जो नॉर्मल डेज है उससे एक दिन ज़्यादा। चलिए अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस आपको ये बातें समझनी थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए लीप्स, इसके अंदर हमें एक चीज़ और समझनी है लीप सेंचुरी के बारे में। लीप सेंचुरी भी तो होती है ना, सेंचुरी के ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो लीप सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप जैसे सपोज़ क्या करते आ रहे थे अभी तक, हम लोग फोर से डिवाइड करके देते थे। लीप ईयर के लिए मैंने अभी क्या बताया था, लीप ईयर के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको फोर से डिवाइड करके देखना है, लेकिन सॉरी नॉर्मल ईयर के लिए। ओके, जैसे हम ईयर्स में बात कर रहे हैं लीप ईयर की, तो ये हो जाएगा, फिर इसके बाद में वन सेकेंड, ठीक है ठीक है, लीप ईयर। इसके बाद में अगर हम बात करें लीप सेंचुरी की, किसकी? लीप सेंचुरी। सेंचुरी तो आप समझते ही होंगे ना सभी, क्रिकेट तो देखते होंगे तो उससे भी आपको आइडिया लगता होगा। सेंचुरी क्या हो गया? शताब्दी हो गया, शतक हो गया, सौ हो गया, सौ से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेंचुरी क्या हो गया? सेंचुरी हो गया, हंड्रेड से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर लीप ईयर को हम लोग, यानी किसी साल को हम लोग फोर से डिवाइड करके देखते थे, उसके पीछे के नंबर को आपको फिर से बता देती हूँ, अभी मैंने किया था, पीछे का नंबर 16 था, 2016 का डिवाइड किया तो वो पूरा कट किया था, तो क्या हुआ? लीप ईयर हुआ। तो उसमें डेज हम कितने माने? 366। लेकिन अगर हम सेंचुरी की बात करें तो क्या हम फोर से डिवाइड करके चेक कर पाएंगे कौन सी सेंचुरी जो है वो लीप है कौन सी नहीं है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि सेंचुरी अपने आप में हंड्रेड है, अगर सपोज मैं लीप ईयर की बात कर रही हूँ है ना, और लीप ईयर कहीं पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर से तो हम करते ही थे, फोर इंटू हंड्रेड क्या हो गया? 400। यानी सिंपल सी बात आप याद रखिए, लीप सेंचुरी की बात आएगी तो 400 से डिवाइड होगा। यानी अगर कहीं पर ये लिखा हो 1100 सेंचुरी, ठीक है, 1200 सेंचुरी, तो इन दोनों से कौन सी लीप ईयर है चलिए बताइए। तो अगर आप इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, बट ये कट जाएगा, क्योंकि आगे आपको दिख रहा है पीछे 20 है, 20 कट जाएंगे, और ये 12 है, तो 4 3 12, ओके, ये पूरा कट जाएगा। मतलब कि ये लीप सेंचुरी है, ये लीप ईयर नहीं है फ्रेंड्स, 1200 लीप सेंचुरी है। ठीक है, चलिए इस पे आगे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैंने अभी आपको ये बेसिक्स में बता दिया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है 1 मार्च, सॉरी 1 तो इसमें कर लेते हैं हम 1 मार्च, ठीक है, क्या है 1 मार्च है, 2019 है, ईयर क्या है 2019 है, और दिन कौन सा है उस दिन, संडे, ठीक है, दिन है आपका संडे, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है तो आप बताइए 31 फैब, क्या पूछा है 31 फैब 2020, ठीक है, को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। सपोज आपको बोला 1 मार्च 2019 को संडे है और 31 फैब 2020 को उसने पूछा है कि कौन सा दिन होगा। अब ऐसे तो हम नहीं पता कर सकते हैं। अब आप एक नॉर्मल सी बात देखो, कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है या कोई भी ईयर होता है, सपोज 1 मार्च से शुरू हुआ है, ठीक है ना, 1 मार्च से शुरू हुआ है, तो ये देखिए 1 मार्च से ये शुरू हुआ है और यहाँ बात हो रही है 31 फैब की। अब आप इतना तो समझते होंगे ना, नहीं भी समझते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1 मार्च है, 31 फैब है, ये 2019 है और ये 2020 है, तो ये एक साल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो 1 मार्च और 31 फैब, अगर ये 1 मार्च टू 1 मार्च बोलता तो एक साल एक दिन हो जाता, बट ये क्या है, ये पूरा आपका एक साल होता है, ऐसा लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है, टोटल कंप्लीट एक साल, यानी 1 ईयर टोटल आपका कंप्लीट हो गया इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये क्या लीप ईयर है। देखिए 2020 इसमें लीप ईयर है, जबकि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये लीप ईयर है, इसका मतलब इसमें एक दिन ज़्यादा हो गया होगा। ओके, तो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अगर ये लीप ईयर है तो क्या होगा, एक दिन ज़्यादा हो गया, मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है 52 वीक्स, और इसके अंदर 2 डेज होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल से एक दिन ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने लिखा है +1। तो संडे था, ठीक है, अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो क्या होता, सेम डे रिपीट हो जाता है, हर साल सेम डे रिपीट हो जाता है, यस, इतना इजी है ये। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, संडे के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, संडे में अगर मैं +1 करूँ यानी नेक्स्ट डे लूँ तो क्या आएगा फ्रेंड्स, ऑब्वियसली मंडे, इतना ईजी है। इतनी सारी कैलकुलेशन पड़ी हुई है ऑनलाइन, आप जितना भी देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप खुद बताना कमेंट करके कि ये इजी है या नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अभी इसको आपको और क्लियर वे में बता देती हूँ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्च है, ठीक, 1 मार्च 2019 का, और आपसे पूछा गया कि इसमें संडे है, ओके, आपसे पूछा है कि 31 फैब, सॉरी 1 मिनट, 29 होगा, 29 फैब 2020, ठीक है, वहाँ भी शायद गलत हो गया होगा, आप करेक्ट कर लेना, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 29 फैब की, तो ये क्या हुआ, एक साल कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे ये क्या है ना, लीप ईयर है, तो डे तो रिपीट नहीं होगा, तो हम इसे देखेंगे संडे के में +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, तो संडे के बाद क्या आता है दोस्तों, संडे के बाद आता है मंडे, बस इतना सिंपल था ये क्वेश्चन करके आना, और लेकिन हमें आता नहीं है तो हम उस समय कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग पैटर्न पे इसे पढ़ाया गया है। अभी आपको करने में सेकंड लगेगा, केवल आपको 2020 देखना है, इसके अंदर लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर है तो फिर हम क्या करेंगे +1 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लीप ईयर नहीं था बट यहाँ पे था, तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग +1 हो गया, तो संडे की जगह मंडे हो गया, अगर लीप ईयर नहीं होता तो संडे ही होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज 1 फैब है, क्या है 1 फैब 2017, और इस दिन आपका वेडनेसडे है, ठीक है, बुधवार है, यानी कि तो आपका 31 जैन को यानी कि 31 जनवरी को 2018 में, ठीक, कौन सा दिन होगा, तो ये हमको बताना था।
अब इसके अंदर अगर हम वैसे सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपकी एंड ऑफ साइकिल यानी 1 साल कंप्लीट हो गई है। देखिए 1 फेब है और ये उससे जस्ट पीछे का दिन है, ये 1 साल कंप्लीट बताता है। अगर एक दिन यहाँ लिखा है और एक दिन उससे पीछे वाला लिखा है मंथ का डे, ठीक है, 31 जैन के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 फेब आएगा, ठीक है। और ये ईयर लिखा है 17 और ये लिखा है 18, इससे आप समझ जाना 1 साल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा 1 साल हो गया। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये लीप ईयर तो नहीं है। सबसे पहले आप चेक करा करो लीप ईयर है या नहीं है। 4 से ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, अब इसको नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करेंगे। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होगा, वेडनेसडे हो, मैंने आपको बताया था अगर नॉर्मल ईयर है तो वेडनेसडे का वेडनेसडे ही होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे इसका आंसर आ जाएगा। अब आप बताओ इसमें टाइम लगा, इतनी सारी कंफ्यूजन है ऑनलाइन भी, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं उसमें इतना कंफ्यूज किया हुआ है कि आई थिंक वो लोग तो पेपर में क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कराते होंगे लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन भैया उन चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है जो चीज़ अभी हमें काम ही नहीं आने वाली, जैसे जैसे यूज़ आएगा उसको वैसे वैसे सीख लिया जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका वेडनेसडे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप पूछ सकते हैं बेशक, ठीक है। कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी होंगे लेकिन वो सब हम कर लेंगे, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं किसी में प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 मार्च है, ठीक है फ्रेंड्स, 1 मार्च 2016, ठीक। इस दिन क्या है फ्रेंड्स, संडे है, इस दिन संडे है और इसी के बाद में सॉरी 1 मार्च 1 मार्च को, और ये है आपका ईयर चेंज हो गया, देखो 2017। इस दिन ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि क्या कौन सा दिन है, ठीक। तो ये कौन सा दिन हमें बताना है, तो अब हम इसके अंदर बताएंगे कौन सा दिन है। देखिए 1 मार्च 2016 है लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं फिर से 1 मार्च आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 साल तो नहीं हुआ, बट 1 साल होता तो क्या होता है 1 मार्च से होता है ये 28 फेब, क्योंकि देखिए लीप ईयर नहीं है, सबसे पहले आपको लीप ईयर देखना है, बट यहाँ पर लीप ईयर है तो ये देखेंगे हम 28 फेब ना हो करके क्या है, ये है 1 मार्च, यानी कि एक दिन ही तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया आपको क्यों बताया मैंने, एक दिन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वैसे तो हम 1 साल होता है तो क्या कर देते हैं हम लोग, लीप ईयर तो है नहीं है लेकिन आपका 2016 देखेंगे तो हम जानते हैं कि ये लीप ईयर है, और लीप ईयर होता है तो हमें पता है कि एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमसे क्या, 2017 में पूछ रहा है, तो लीप ईयर है एक, तो लीप ईयर है तो क्या होगा, संडे का क्या हो जाएगा, मंडे प्लस वन, मैंने आपको बताया था लीप ईयर में क्या करना होता है, ओनली प्लस वन ध्यान रखिएगा, 16 डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर हो गया, ये क्या हो गया लीप ईयर, और लीप ईयर हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और प्लस वन हो गया तो ये संडे के बाद प्लस वन करेंगे तो क्या हुआ, मंडे हो गया। अब मंडे है लेकिन उसने पूछा 28 फेब का नहीं है हमसे, पूछा मार्च का है, यानी कि इसके एक दिन आगे का, तो मंडे के आगे क्या आएगा, ट्यूसडे। तो आपका आंसर ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने देखा 1 मार्च 2016 का, 1 मार्च 2016 का पूछा था हमसे, तो 1 मार्च 2016 से 1 मार्च 2017 तक हमने देखा एक दिन ज़्यादा है लेकिन लीप ईयर भी था, यानी कि लीप ईयर का एक दिन बढ़ गया और एक दिन 1 मार्च यानी कि फेब तक नहीं दिया उसने हमको, मार्च दिया है, तो क्या हुआ 2 दिन बढ़ गए। तो संडे से ऐसे कर लो मंडे ट्यूसडे, वेरी सिंपल। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि कितना इजी करके मैंने आपको लिए इस वीडियो को बनाया है। और फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब पूरा देखना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, मेरा चैनल तो मोनिटाइज भी नहीं है, बट इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग सेंटर्स नहीं जा सकते हैं या जो घर पे हैं या लॉकडाउन में घर पे पढ़ रहे हैं या जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न के साथ में इसको पढ़ाया गया है, तो आप अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों तक पहुँचेगा ये, अगर आप चलाएंगे और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करेंगे तो इससे ये यूट्यूब में
एक पॉलिसी होती है वो उस पेज पे लेके आएगा, जैसे कि लोगों तक पहुंचेगा। होता क्या है कि जो वीडियोस बेकार की हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती हैं, ठीक है। जो वीडियोस हमारे करियर नहीं बिल्ड कर सकती है ना, लेकिन टाइम पास कर सकती हैं, हमारा करियर ख़राब कर सकती है, वो बहुत लोगों पर पहुँचती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी, उनकी हेल्प होगी, आप भी थोड़ा सा किसी की मतलब आगे आगे बढ़ सकते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करा रही हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 फेब है, ठीक है, 24 फेब 2014, ओके। इस दिन क्या है, सैटरडे है। इस दिन कौन सा दिन है, सैटरडे है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 23 फेब 2015 को कौन सा डे होगा, ठीक है। अब इतना इजी भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ आते हैं, देखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, उन्हीं के पैटर्न्स हैं, तो आप इन्हें ध्यान से करिएगा। देखिए 24 फेब उसने हमें दिया था और यहाँ 23 फेब है, यानी कि इससे एक दिन पीछे है, ठीक है। यहाँ 14 है और यहाँ 15 है, तो आप श्योर हो जाओ ये क्या है, ये आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी एक जो फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है या पॉलिसी टर्म्स कोई भी ईयर काउंट होता है वो इसी तरह से होता है, ये 1 ईयर हो गया। अब हम देखेंगे क्या ये लीप ईयर है, 14 4 से डिविजिबल नहीं है, 15 4 से डिविजिबल नहीं है, और हमने देखा यहाँ पे सैटरडे है। जब ये नॉर्मल ईयर है, क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मल ईयर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने कहा था अगर नॉर्मल ईयर होगा तो डे रिपीट हो जाएगा लास्ट वाले दिन पे, स्टार्टिंग जो ईयर का डे होगा, ठीक है, हमारे लिए यही स्टार्टिंग डे है, ठीक है, यही स्टार्टिंग डे है इस ईयर के लिए, तो इसका एंड डे भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। इस ईयर का, इस नेक्स्ट वाले में ये क्या हो गया, 1 ईयर कम्प्लीट हो गया, तो 1 ईयर कम्प्लीट हो गया, तो यहाँ ये आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। बताया था ना मैंने आपको कि ये रिपीट होगा, तो ये इसका आंसर देखिए मैं कहाँ कर देती हूँ, सैटरडे, ठीक है। नॉर्मल ईयर में यही होने वाला है, और अगर मैं बात करूँ लीप ईयर में तो ये संडे हो जाता। अगर वो कह देता 23rd 24th फेब या 23rd की जगह बोल देता 25 फेब या 24 फेब के बारे में, तो हम उसकी अकॉर्डिंग दिन बढ़ा देते। 24 फेब का हो जाता क्या, हो जाता सैटरडे की जगह हो जाता संडे, और अगर 25 फेब पूछ लेता तो मंडे हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टिपिकल क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं। तो इसके साथ में यहाँ का वीडियो यहीं तक, और आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सिंपल है, केवल आप ट्रिक के ऊपर फोकस करते जाइए, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन लगाते जाइए, क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रॉब्लम्स एंड एरर्स आती हैं तो हमसे पूछते जाइए। ओके, टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।